कि जब तक राधा रानी ना चाहें आप वृंदावन में चाहकर भी कोई प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर सकते। 5 बीघा 8 बीघा 10 बीघा इतने बड़े बड़े साइज के यहाँ पार्क रखे गए हैं। एक तरह से इसको सोसाइटी ना कहा जाए, वृंदावन का एक छोटा सा शहर कहा जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। भाइयों, आज हम खड़े हुए हैं भगवान कृष्ण की नगरी वृंदावन, और यहाँ के बारे में एक बात कही जाती है कि जब तक राधा रानी ना चाहें आप वृंदावन में चाहकर भी कोई प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर सकते। बात तो सही है। तो सबसे पहले आपको राधा रानी को मनाना पड़ेगा, उसके बाद आप वृंदावन में कोई भी चाहे फ्लैट देखें, मकान देखें, या फिर विला देखें, या फिर प्लाट देखें, खरीद पाएंगे। आज जो हम सबको प्रॉपर्टी दिखाने वाले हैं वो है सन सिटी अनंतम में। बहुत सारे भाइयों की बहुत जबरदस्त डिमांड थी कि भाई वृंदावन में सर आपने प्रॉपर्टी तो बहुत सारी दिखाई लेकिन सन सिटी अनंतम नहीं दिखाई। आज हम आपको अनंतम दिखा देते हैं। ये हुई ना बात। आप देखिए यहाँ पर आपको कितनी जबरदस्त एंट्री मिलने वाली है। कभी कोई रिलेटिव आपके यहाँ आता है तो वो देख कर ही खुश हो जाएगा कि भाई क्या जबरदस्त एंट्री है। अगर फ्रंट की बात की जाए तो यहाँ पर आपका सामने आपको दिख रहा है NH-19। अगर आप दिल्ली से आते हैं, नोएडा से आते हैं, फरीदाबाद से आते हैं, सीधा आप इधर से आएंगे और भाई आपकी एंट्री सन सिटी अनंतम में। कहीं आपको कोई भीड़भाड़ जाम नहीं मिलने वाला, और आपका इधर ये हाईवे चला जाता है सीधा आगरा की ओर। तो भाइयों यहाँ से हमारी मेन एंट्री स्टार्ट हो जाती है। आप देख रहे हैं पूरा 100 फीट का रोड है जहाँ से कि आपकी भाई एंट्री रहने वाली है। बीच में ही आपको गार्ड रूम मिल जाता है, 24/7 सिक्योरिटी रहने वाली है, पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी आपकी ये सोसाइटी। स्टार्टिंग में आपका भाई ये पूरा डेकोरेशन का वर्क किया गया है, साइड से भी आपको फुटपाथ दिया जाता है कि भाई पैदल चलने वालों को निकलने वाली गाड़ियों से किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप भाई। अगर डेकोरेशन की ही बात की जाए तो लुक इतना प्यारा दिया गया है। स्टार्टिंग में ही आप देख सकते हैं भैया जो भगवान कृष्ण के सबसे प्यारे होते हैं मोर लगाए हुए हैं यहाँ पे। आप जैसे एंट्री करेंगे आपको इधर लाइन 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 से आपको मोर देखने को मिल जाएंगे। उस तरफ भी पूरा स्टोन का वर्क किया गया है। बीच में भी आप देख सकते हैं पूरी पूरी आपको ग्रीन बेल्ट मिलने वाली है। अगर प्रोजेक्ट की बात की जाए तो ये पूरा 500 एकड़ का प्रोजेक्ट रहने वाला है। जगह तो बड़ी है ही, चल के अंदर देखते हैं। भाइयों मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर आपको बहुत सारे पार्क्स मिलने वाले हैं, जिनमें से के एक पार्क आपका ये रहने वाला है। पूरा जबरदस्त ग्रीनरी का ध्यान रखा गया है, और पार्क भी यहाँ पे आपको छोटे मोटे नहीं मिलने वाले। 5 बीघा 8 बीघा 10 बीघा इतने बड़े बड़े साइज के यहाँ पार्क रखे गए हैं। बच्चों को खेलना कूदना कोई भी एक्टिविटीज करनी हो कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाइयों जैसा कि मैं आपको बताता जा रहा था कि भाई पार्क तो बहुत सारे हैं, हम अगले पार्क में आ गए। यहाँ से हमारी एंट्री हो जाती है, और एंट्री भी इतनी बढ़िया रखी हुई है कि आप घूम घूम के अंदर एंट्री कर पाएं। अब मैं आपको चला सा पार्क का लुक दिखा देता हूँ, और मैं आपको आज ऐसे एक नहीं, मैं आज आपको ऐसे दसियों पार्क दिखाने वाला हूँ जिनको देखने के बाद आपका मन प्रसन्न और आत्मा प्रफुल्लित हो जाएगी। वाओ भाइयों, पार्क इतने अच्छे रहने वाले हैं, ग्रीनरी तो आप देख ही रहे हैं, और आप इस चीज़ का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि भाई पार्क हरे भरे बने रहें इसके लिए पार्क की देखरेख किस स्तर पर की जा रही है। पूरा जबरदस्त वाटर फ्लो रखा जाता है। आप देख रहे हैं जैसे कि भाई ग्रीनरी के लिए जगह जगह इन्होंने पूरा सिस्टम लगा रखा है ताकि पौधों में पानी लगता रहे और हरियाली बनी रहे। कभी कुछ यार दोस्त घर पे आ गए, कुछ रिलेटिव आ गए, पार्क में ले आए, बैठे, जीवन का आनंद लिया, या फिर बड़े बुजुर्ग हैं भाई मन नहीं लग रहा घर पे कितनी देर बैठा जाए, मजे से आइए पार्क में बैठिए, पूरा पूरा आप आनंद ले सकते हैं। भाइयों मैंने कुछ लोगों को देखा था, वो ये कहते हैं भाई पार्क में जाओ बारिश के दिन है कैसे जाएंगे, कीचड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको वो टेंशन भी नहीं लेनी, क्योंकि आपको पूरे पार्क में भाई फुटपाथ मिलने वाले हैं। आप आराम से बिना अपने जूतों को गंदा किए, बच्चों को भी कोई टेंशन नहीं, भाई आराम से टहलते रहो अगर आप मिट्टी में नहीं उनको घुमाना चाह रहे। चलते हैं अंदर की ओर। भाई अगर आप पार्क में टहल रहे हो, बारिश आ जाए, ऐसी कंडीशन से बचने के लिए आपके लिए यहाँ व्यवस्था की जा रही है। यहाँ पर चेयर्स वगैरह और पड़ जाएंगी तो आपको और ज़्यादा आनंद आएगा। उसके अलावा बीच में ये भाई सेंट्रल एरिया दिया हुआ है, यहाँ पर भी आप अगर कोई पार्टी करना चाह रहे हैं, कोई परफॉर्मेंस देना चाह रहे हैं, किसी प्रोग्राम में इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं, आप मज़े से हो सकते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ,
आपको सोसाइटी के अंदर पूरी व्यवस्थाएं मिलने वाली हैं। एक तरह से इसको सोसाइटी ना कहा जाए, वृंदावन का एक छोटा सा शहर कहा जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बात तो सही है। आपको यहाँ पर हॉस्पिटल की फैसिलिटीज मिल जाएंगी, आपको यहाँ पर स्कूल मिल जाएंगे, कॉलेज मिल जाएंगे, मॉल्स मिल जाएंगे, शॉप्स मिल जाएंगी, आप जो भी फैसिलिटीज सोचेंगे सारी अवेलेबल है। यहाँ तक कि पुलिस चौकी भी इसी सोसाइटी के अंदर है। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो जो भी मेन रोड है वहाँ पर आपको सब में सीसीटीवी कैमरे लगा के दिए जा रहे हैं। अगर वाटर सप्लाई को देखा जाए तो हर एक सेक्टर में एक सेपरेट वाटर टंकी रखी गई है ताकि आपको 24/7 पानी की सप्लाई किसी भी तरह से होती रहे। भाइयों, जैसा कि मैं आपको बता के चल रहा था कि आपको सिर्फ मेन रोड ही 100 फीट का नहीं मिलने वाला, अंदर जो रोड्स दिए गए हैं वो भी 100 फीट के दिए गए हैं। आपके जो प्लाट के सामने रोड रहने वाले हैं वो भी 40 फीट के रहने वाले हैं। उसके अलावा ग्रीन बेल्ट तो आप यहाँ देख सकते हैं, आपको पूरी सोसाइटी में भाई लगातार पेड़ लगे हुए मिलेंगे, कहीं नीम के, कहीं जामुन के, कहीं कदम के। आपको आगे चल के इतना मज़ा आने वाला है, जब तक आप यहाँ पर रहने के लिए आएंगे ये पेड़ और भी बड़े हो चुके होंगे, पूरी पूरी छांव मिलने वाली है आपको, ऑक्सीजन की किसी तरह की कमी नहीं होगी जब यहाँ पर इतने प्यारे और इतने बड़े बड़े पेड़ रहेंगे। चलते हैं हम आगे की ओर। तो भाइयों, यहाँ पर हम सबसे पहले आपको अपने 520 गज वाले प्लाट दिखा देते हैं। आपका प्लाट यहाँ से रहने वाला है, जैसे कि आप मान लीजिए आपका ये पूरा रोड है 40 फीट का। आप सोच रहे हो कि आपको जितना ये आरसीसी वाला दिख रहा है इतना ही नहीं, इसके अलावा भी जो ये एक्स्ट्रा आपको जगह मिल रही है, गाड़ी यहीं पे पार्क करना, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। प्लाट जो आपका स्टार्ट होने वाला है वो यहाँ से स्टार्ट रहने वाला है। और अगर यहाँ पे ये जैसे आप बॉक्स देख के चल रहे हैं, सीवेज आपको यहाँ पर पूरे में बिछी हुई मिलेगी। मैं आपको दिखा देता हूँ भाई, ये आप जो आरसीसी देख रहे हैं उसके बीच में आपको लग रहा होगा ये एरिया किसके लिए छोड़ा गया है, जहाँ पे ईंट बिछाई गई है, इसको बोलते हैं फ्यूचर प्लानिंग। फ्यूचर प्लानिंग इस तरह की गई है कि मान लीजिए कभी कोई सीवेज की समस्या हुई या फिर कभी कोई इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम हुई तो यहाँ से सिर्फ ईंटों को हटाया, काम किया, वापस से फिर से बिछा दिया। ये नहीं कि आपने देखा होगा अंदर भाई कोई भी सरकारी काम चला, सड़क को खोद के डाल देते हैं, फिर कोई पूछने वाला नहीं है, वो सिस्टम आपको यहाँ नहीं मिलेगा। भाइयों, मैं आपको अगला पार्क दिखा देता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं पार्क में सिंचाई की व्यवस्था पूरी करी गई है और जम के पानी चल रहा है भाई, पेड़ पौधे भी घुस, घास भी घुस, पेड़ भी घुस। और आप देख रहे हैं बीच में क्या जबरदस्त लाइटिंग लगाई गई है ताकि अगर रात में भी आप पार्क में बैठे तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। आजकल हो ही गया है आदमी 10 बजे ऑफिस से लौटता है, फिर भाई वो घूमने जाए तो कहाँ जाए, अंधेरा पड़ा है, लेकिन ऐसी यहाँ कोई समस्या नहीं रहने वाली। भाइयों, अब मैं आपको सेक्टर बी में 205 गज वाले प्लाट दिखा देता हूँ। ये आपके 205 गज वाले प्लाट रहने वाले हैं। जैसे कि आप देख के चल रहे हैं, एक पिलर ये लगा है और एक आपको मिडल में दिख रहा होगा, उतनी तक आपकी गहराई रहेगी। सीवेज वगैरह की तो पूरी व्यवस्था है, ये आप जान। भाइयों, एक चीज मुझे यहाँ पे देखने के लिए बहुत अच्छी लगी कि आप हर एक प्लाट के सामने 2-4 जगह देखोगे कि इस तरह से भाई पूरा प्रोटेक्टर लगाया गया है, उसके अंदर पेड़ पौधा लगाया गया है, उस पर भी बबूल के कांटे लगा दिए गए हैं। मान लीजिए कोई ऐसा पशु कभी आ गया कि उसको खाना चाहे, नहीं खा सकता। और जब तक आप एंट्री करोगे ना अपने घर में, तब तक पेड़ बड़ा हो जाएगा, पूरी छांव रहेगी। आप इस तरह से देख सकते हैं भाई, पूरी तरह अंडरग्राउंड लाइट है और पूरी तरह से आपको यहाँ पर स्ट्रीट लाइट मिलने वाली है। बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर रहने वाली है आपकी ये सोसाइटी। तो भाइयों, अब हम आ चुके हैं यहाँ के सेक्टर 3 पर। सेक्टर 3 में आपको काफी अच्छे प्लाट्स देखने को मिल जाएंगे। उसकी एंट्री ये रहने वाली है, पूरा 100 फीट का तो रोड है ही। चलते हैं हम अंदर की ओर। एक और पार्क देख लीजिए आप, आज मैं आपका दिल भर दूंगा पूरी तरह हरियाली से। अच्छा, रात को जब आप सोएं तो सपने में भी हरा हरा दिखाई देगा, बहुत अच्छा लगेगा भाई। इतनी ग्रीनरी है यहाँ पे, इतनी हरियाली है यहाँ पे, क्या चाहिए आपको रहने के लिए। इतनी शांत सोसाइटी, पीसफुल माहौल। भाई देखो, बहुत सारे लोग अपना अपना बहुत दूर से आ रहे हैं वृंदावन में बसने के लिए। काहे के लिए आ रहे हैं भाई? मन का सुकून मिले, थोड़ी शांति मिले, शहर की चै पो भीड़ भाड़ टेंशन को छोड़ने के लिए। और यहाँ पे भी आपको ग्रीनरी ना मिले आके तो फायदा क्या है यहाँ आने का। इस वजह से भाई जम के ग्रीनरी देखिए, जम के वॉक करिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और मानसिक तनाव से दूर रहिए। चलते हैं अगले पार्क की तलाश में। भाइयों, अब हम आपको दिखा देते हैं सेक्टर 3 के 204 गज वाले प्लाट। ये आपके 204 गज वाले प्लाट्स रहने वाले हैं।
डिटेल तो आपको पूरा पता ही है कि कहाँ से आपको प्लाट देखना है, और सामने आपको 40 फीट की रोड मिलेगी, आपको यहाँ पर सीवेज की व्यवस्था मिलेगी, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी मिलने वाली है, A to Z सारी फैसिलिटी मिलेंगी आपको यहाँ पे। अब हमारे बचते हैं 117 गज के प्लाट, तो हम सबसे पहले चलकर उनको देख लेते हैं। तो भाइयों देख लीजिए, ये यहाँ के सबसे छोटे प्लाट्स हैं जो 117 गज के हैं। आपको गहराई वहाँ तक मिलेगी जहाँ पर बीच में येलो वाले पोल्स गड़े हुए हैं, यहाँ से आपका प्लाट स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर भी फ्रंट पर आपको पूरा 40 फीट का रोड मिल रहा है। उसके अलावा एक चीज बहुत अच्छी है कि आपको फ्रंट पर ही ग्रीन बेल्ट देखने को मिलेगी। यहाँ पे जब हरियाली जब बड़ी बड़ी हो जाएगी और भी मजा आने वाला है। भाइयों अगला पार्क देख लीजिए आप, ये हमारा पार्क है, आप साइड से भी देख सकते हैं। पार्क पर भाई जो बाउंड्री वॉल बनाई गई है, जबरदस्त ग्रीनरी की बनाई गई है। अंदर आइए, अंदर से दिखाते हैं पार्क। ये भी आपका बहुत बड़ा रहने वाला है, प्रॉपर आप देख सकते हैं बीच में क्या जबरदस्त वाइड एंट्री रहने वाली है। यहाँ पे अगर आप रहेंगे ना तो पूरा राजाओं वाला जीवन मिलने वाला है आपको। चल 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 भाई, ये देखो आप क्या जबरदस्त हरियाली है। सोसाइटी पूरी 500 बीघा में बनी हुई है। उसके अलावा अच्छी चीज ये है कि ये आपकी MVDA अप्रूव्ड है, RERA रजिस्टर्ड है। एक चीज और मैं बता देता हूँ आपको यहाँ के बारे में। भाइयों जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि भाई सोसाइटी में बहुत सारे लोग रहने के लिए आने लगे हैं। ये आप देखिए, ये लैंड वाइज पूरे बिला कंप्लीट हैं, फैमिलीज रह रही हैं। अगर आप यहाँ रहने के इच्छुक हों तो बहुत ज़्यादा समय मत लगाइएगा, क्योंकि भाई लोग जब रहने लगते हैं तो धीरे धीरे सोसाइटी और ज़्यादा महंगी होती जाती है, और ऐसी कंडीशन में भाई खरीदना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। चलते हैं हम अगले पार्क की ओर। घूम घूम के एंट्री होती है यहाँ पे। भाइयों देख रहे हो आप क्या जबरदस्त पार्क है, क्या लंबाई है पार्क की। बीच में आपको पूरी की पूरी फ्लड लाइट मिलने वाली है। रात में जब ये जलती है तो भाई मजा ही आ जाता है। उसके अलावा आप देख रहे हो भाई पूरा हट बनाया गया है वहाँ पे, जहाँ पे आप चाहें तो अगर बारिश आ जाए, हल्की सर्दियाँ हैं, मजे से बैठिए। अगर बुजुर्ग लोग हैं तो भाई चार बुजुर्ग और लोगों से दोस्ती कर लीजिए और खूब गप लगाइए, समय काटिए और जीवन का पूरा आनंद लीजिए। चलते हैं अगला पार्क देखने। भाइयों हम अपने अगले पार्क में आ चुके हैं। भाई ये भी जबरदस्त ग्रीनरी वाला पार्क है, साइड से पूरा का पूरा ट्रैक दिया हुआ है। एक चीज और खास बात मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर जो बाउंड्री वॉल बनाई गई है वो पूरी प्लस पे बनाई गई है, मतलब कि आपकी जो ये गेटेड सोसाइटी है पूरी तरह से आपके लिए सेफ रहेगी। आप देख ही रहे हैं नीचे भी RCC का एरिया लिया गया है, ऊपर भी प्लस लगाए गए हैं ताकि सुरक्षा बनी रहे। पार्क में भी आपको ब्रांचेस वगैरह मिली जाती हैं, हरियाली का पूरा ध्यान रखा गया है। यहाँ से लेके वहाँ तक आपको पार्क ही पार्क दिखेगा। भाइयों अगला पार्क देख लीजिए आप, पूरा आप यहाँ से देख रहे होंगे और जहाँ तक आपकी निगाह जाएगी दसियों बीघा के पार्क बनाए गए हैं यहाँ पे। चलते हैं अंदर की ओर। पार्क में पूरा जबरदस्त दोनों तरफ से बाउंड्री बनाई गई है, बीच में आपके लिए वॉकिंग ट्रैक बनाया गया है। सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ के जब आप रनिंग करना चाहें, वॉक करना चाहें, एक्सरसाइज करना चाहें, योगा करना चाहें, मजे से कीजिए भाई, बहुत मजा आने वाला है। ग्रीनरी देखिए आप क्या जबरदस्त बनाई गई है, पूरा सर्कल का शेप दिया गया है, बीच में पेड़ है। कभी अगर आपके चार चार रिलेटिव घर पे आ गए और आपने अपनी सोसाइटी के पार्क दिखा दिए, वो भी आपसे कहने लगेंगे भैया हमें भी आसपास में कहीं प्लाट दिला दो। रहा नहीं जाता, क्योंकि यहाँ के अलावा जन्नत और कहीं है ही नहीं। चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको। किसी को अगर कोई छोटी मोटी परेशानी है, मानसिक तनाव है, कोई शारीरिक बीमारी है, भाई यहाँ पे अब जब आप आकर रहने लगेंगे ना अपने आप सही हो जाएगी। सबसे बड़ी चीज़ तो भाई भगवान कृष्ण की छत्र छाया में आप वृंदावन में रहेंगे, उनकी नगरी में। उसके अलावा जब आप इस तरह के एनवायरनमेंट में रहेंगे ना, कहाँ से कोई दिक्कत लगने वाली है, आपका तो बाल बांका नहीं बिगाड़ सकता कोई। चलते हैं हम आगे की ओर। भाइयों आपको यहाँ पर प्लाट्स कैसे लगे, सोसाइटी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही शानदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए। हम फिर से मिलते हैं किसी शानदार प्रॉपर्टी वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।